अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लाइब्रेरी रुपया। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। कुछ मौसम का तकाजा है, कुछ दिल का अरमान है और कुछ वक्त की ज़रूरत है। मौसम जो है आज माशाल्लाह बहुत अच्छा है और ज़रूरत जो है वो इस चीज़ की है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात हम पाकिस्तान जा रहे हैं और जितनी भी चीज़ें हैं लेफ़्ट ओवर में और उसको कोशिश कर रही हूँ ख़त्म कर दूँ। तो वो मेरे पास चिकन पैटी पड़े हैं, कुछ चिकन था मैंने उसको यूज़ करते हुए चिकन पैटीज़ बनाए हैं। वेदर भी बहुत मज़े का है। तो यहाँ पर मैंने जो है अनियन को बटर के साथ फ्राई किया है और उसके अंदर फिर बॉयल्ड और चिकन जो है उसको बॉयल करके क्रश करके उसके अंदर ऐड किया है और अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हंस पे ज़रूरत नमक और काली मिर्च जो है वो ऐड कर लें और उसके बाद जो है इसको अच्छे से फ्राई कर लें। तो उसके बाद इसके अंदर एक चम्मच मैदा आपने ऐड करना है और मिल्क के साथ इसकी अच्छे से बुनाई करके एक मज़े का जो वो चिकन मटेरियल रेडी कर लें पैटीज के लिए। थोड़ा सा मैंने विनेगर भी इसके अंदर ऐड किया है। तो इंशाल्लाह मज़े का जो रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह रेडी होगी। आज लास्ट डे है, मतलब कि आज रात तकरीबन 2 से 3 बजे घर से निकलेंगे। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है तो सब काम जो है वो ख़त्म कर रही हूँ और ये पैटीज भी इंशाल्लाह रेडी करके बाकी भी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करनी है। पफ पेस्ट्री एक पैकेट जो है ये मैं यूज़ कर रही हूँ, कुछ मैं चीज़ यूज़ करूँगी। आप चाहें तो विदाउट भी चीज़ भी पैटीज बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं तो बस चाह रही थी कि फिर से मेरी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो मैं जो एक अंडा है उसको भी बीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक पैटी लिया है, इसके अंदर जो है वो चिकन जो है उसकी फिलिंग करूँगी। एग वॉश जो है वो अप्लाई कर दें उसकी एजेस के ऊपर और जो चिकन का मटेरियल रेडी किया है वो उसके अंदर रखें और सब जो है वो चीज़ रखें और अपनी डिज़ायर जो है वो शेप उसको आप जो देना चाह रहे हैं दे दें। मैंने इसको ट्रायंगल शेप दिया है तो साथ ही साथ मैं इसकी राउंड शेप भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से माशाल्लाह मेरे जो पैटीज जो हैं वो रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो जो हैं ये तो थोड़े से रफ़ लग रहे हैं, ये मैंने जो राउंड शेप दी थी उसके लेफ़्ट ओवर पैटी के साथ इसको दोबारा से रीशेप दिया है तो ये थोड़े से रफ़ लग रहे हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ वेस्ट नहीं हुई। तो यहाँ पर मैंने एग जो है अप्लाई किया है और उसको ओवन को प्री हीट कर लिया है और तकरीबन 15 से 20 मिनट्स के अंदर माशाल्लाह मज़ेदार पैटीज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए थे। माशाल्लाह बहुत जूसी, बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर था और सॉफ्ट सॉफ्ट और क्रंची जो है माशाल्लाह बड़े मज़े के पैटीज़ बने हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। लुक एट दिस, सो जूसी एंड चीज़ी एंड क्रंची माशाल्लाह। सो पाकिस्तान जाने की पैकिंग भी माशाल्लाह स्टार्ट की है साथ में और मोहम्मद अबान इज़ हेल्पिंग। But beta jaan, it's hot in Pakistan. You have to wear some sandals over there. You need not to wear all these shoes like this. You have to wear the sandals also. You need to wear these sandals in the Pakistan. Yes, in this one in the Pakistan. Okay. And the black one in the Pakistan and the other one in the Pakistan. Black one also. This one.
Yes. Yes, put all the shoes aside in a line. Good job. Okay, now we will choose the dresses you would like to take to Pakistan, okay? This one for Pakistan. Okay, we will select the dresses also. Ooh. माशाल्लाह बहुत तेज़ आज बारिश हुई है, बहुत अच्छा वेदर है और ये सब कबूतर जो है वो पनाह लेने के लिए सब आके यहाँ पे बैठ गए हैं माशाल्लाह। और जो है वेदर बहुत मज़े का है माशाल्लाह, मोहम्मद अबान ने बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। तो बस जाने से पहले मेरे पास ये दो पोटैटो पड़े थे, तो बस मौसम भी बहुत मज़े का था तो मैंने कहा इसको फ्राइज़ बनाती हूँ। अबान जो है बहुत खुश हो गया था देख के। पोटैटोज़ को जो है मैंने काट के अच्छे से साफ़ कर लिया, इसके अंदर नमक पानी और कॉर्नफ्लोर डाल के इसको मैंने 50% बॉयल करना है और उसके बाद जो है आप इसको फिर एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं और चाहें तो वो फिर ऑयल के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली एयर फ्रायर में करना है तो मैं इसको हाफ बॉयल कर रही हूँ ताकि जो है वो अच्छे से जो है ये फ्राई जो है मेरी रेडी हो जाए। सो तकरीबन 16 टू 17 डेज़ का हमारा ट्रिप है तो ये सब चीज़ें जो हैं मेरे पास अब बची हैं फ्रिज में। कुछ लेमन्स हैं, ग्रीन चिलीज हैं, पुदीना है, ये लहसुन है, तो बस इनको जो है मैं जो है वो क्लीन करके जो है वो फ्रीज कर रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना चाहे। रिस्क अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, कोशिश करें आप बिल्कुल भी कोई चीज़ वेस्ट ना हो। तो मैंने ग्रीन चिलीज भी जो थोड़ी मुझे ख़राब लग रही थी उनको निकाल के तो बाकी सारी साफ़ करके उनको अच्छे से वॉश करके मैंने फ्रीज कर लिया है। लहसुन भी उसको जो है मैंने छील के फ्रीज कर लिया है। जिंजर की जो है मैंने पेस्ट बना ली है और लेमन को भी मैंने जो है वो उसका लेमन जूस निकाल के उसको फ्रीज कर लिया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फिर सेफ़ हो जाएंगी, ख़राब नहीं होंगी इंशाल्लाह क्योंकि फ्रिज तो चल रही होती है बैग पर। तो पुदीना पड़ा हुआ था, धनिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ख़त्म हो गया था, पुदीना था तो उसकी भी मैंने चटनी ग्रीन चिली और लेमन डाल के बना ली थी और उसको भी मैंने जो है वो आइस क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो इस तरह से सेफ़ हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सेटिस्फाइड नाउ।